केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन के लिए बीते 1 अक्टूबर को आयोजित हुई सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है। रविवार को 2 पालियों में संपन्न हुआ इस सिपाही भर्ती परीक्षा में काफी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा नकल करने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ चीट पुर्जा बरामद हुआ था, जिसके बाद अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा चयन पर्षद को कई स्रोतों से यह जानकारी मिली कि परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर सादे पन्नों पर सीरियल नंबर के सामने लिखकर मोबाइल एवं अन्य माध्यमों से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया था, जिसका प्रमाण भी चयन पर्षद को प्राप्त होने की बात कही जा रही है। वहीं विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कदाचार करते हुए पकड़े गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर हुई धांधली को देखते हुए केंद्रीय चयन पर्षद इसकी जाँच के आदेश दिए और इस तरह के क्रियाकलापों के कारण लिखित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आगामी 7 अक्टूबर शनिवार और 15 अक्टूबर रविवार को 2-2 पालियों में होने वाली लिखित परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में काफी निराशा का माहौल है। बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना और कदाचार या अन्य कारणों से उसे रद्द करना जैसे अब आम बात हो गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा सरकार और शासन तंत्र के प्रति कम होता जा रहा है। भागलपुर आपदा प्रबंधन कार्यालय के सामने अवैध रूप से जिला परिषद द्वारा बनाई गई 3 दुकानों को नगर निगम द्वारा हटाने और खाली करने का निर्देश पूर्व में ही दिया गया था, लेकिन दुकानों को नहीं हटाने पर पूर्व में जब नगर निगम कर्मी दलबल के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचे तो जिला परिषद की ओर से इन 3 दुकानों को जिला परिषद की संपत्ति बताकर तोड़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के आदेश पर इन 3 दुकानों का निर्माण अवैध तरीके से करने की बात कही गई और मंगलवार को जिला एवं नगर निगम प्रशासन के आदेश पर इन 3 दुकान को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इसको लेकर नगर निगम के अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम प्रशासन की ओर से इस जमीन की कागजात पेश करने और दुकानदार द्वारा सारा सामान दुकान से बाहर निकालने के लिए जिला परिषद प्रशासन को 15 दिनों की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन जिला परिषद द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन 3 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रबंधक ऑफिस के सामने जिला परिषद द्वारा 3 दुकान बना दिया गया था सर जी, जो अवैध था। इसके पहले हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे तो जिला परिषद से लोग आए हुए थे कि ये मेरा संपत्ति है, तो हम लोग उस वक्त छोड़ दिए। उन लोगों को 15 दिन का समय दिए, 15 दिन के बाद आप कागज पत्र, 15 दिन में उन्होंने किसी प्रकार का कागजात उपलब्ध नहीं कराया सर जी। उसके बाद फिर जिला से आदेश हुआ कि जो 3 दुकान को हम लोग ध्वस्त करने। भागलपुर गोड्डा मार्ग स्थित निजरी गांव पर बस और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर में अनियंत्रित हुई बस खाई में जा गिरा। पंजवारा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई इस घटना में बस पर सवार कई पैसेंजर चोट से घायल हो गए, लेकिन जानकारी के मुताबिक किसी भी यात्री को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार के दोपहर बाद की है, जहाँ बांका के पंजवारा में गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग 333A स्थित निजरी गाँव के समीप भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बस टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर सीधे खाई में गिर गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पंजवारा थाने की पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए पंजवारा के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बेहतर इलाज के लिए बांका अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर दुर्घटनाग्रस्त बस और ऑटो को पंजवारा पुलिस ने जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं दुर्घटना बस में करीब 12 से 15 पैसेंजर सवार होने की बात कही जा रही है, जबकि इस हादसे में 2 महिला बैटरी वाली एसिड की चपेट में आकर झुलस गई, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। गाड़ी एक्सीडेंट में उधर से टेंपो इधर उधर से टेंपो गया ना, अब जो भी पूरा स्पीड में था वो भी पूरा स्पीड में आमने सामने का टक्कर हो गया। पूरा बस भरा हुआ था कि भरा पूरा भरा हुआ था।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में मंगलवार को मरीजों की काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें पुरुष से अधिक तादाद में महिला मरीजों की भीड़ अस्पताल में देखी गई। दरअसल 1 अक्टूबर को रविवार और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी के कारण 2 दिन बाद अस्पताल में चिकित्सकों और सभी कर्मी काम पर पहुंचे, जिसके कारण मायागंज अस्पताल में अधिक संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम यह था कि महिला मरीजों की कतार ओपीडी के बाहर तक लगी हुई थी और मरीजों के साथ उनके परिजन अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे। इसको लेकर कई महिला मरीजों ने बताया कि ओपीडी का रजिस्ट्रेशन काउंटर लेट से खुला, जिसके कारण मरीजों की भीड़ और भी अधिक बढ़ गई। इधर इलाज के लिए कतार में खड़ी कई गर्भवती महिलाएं भी थी, जिन्हें भीड़ के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अत्यधिक भीड़ देखकर काफी मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए ही अस्पताल से वापस लौट गए, जबकि पर्ची कटाने और चिकित्सकों को दिखाने के बाद कई मरीजों ने कहा कि यहाँ की भीड़ के बीच डॉक्टर को दिखाना जंग जीतने के बराबर है। इधर ओपीडी में तैनात गार्ड का कहना है कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान महिला गार्ड नहीं होने के कारण महिलाओं की भीड़ बेतरतीब हो गई और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई, जबकि इसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिखाने आए थे? कितने बजे आए थे? 11 बजे आए थे। कितना कटा है? क्या नाम हुआ? भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल लगातार अपने बयानों और कारनामों से चर्चा में बने रहते हैं। वहीं एक बार फिर से विधायक गोपाल मंडल हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आने पर चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि विधायक गोपाल मंडल अपने किसी परिचित के मरीज को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां लोगों को विधायक का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। इस दौरान विधायक अपने हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेकर अस्पताल के अंदर पहुंचे और ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज से मुलाकात की। वहीं अस्पताल के अंदर हथियार लेकर जाने के संबंध में कैमरे पर तो विधायक ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस मामले पर विधायक ने दूरभाष पर बताया कि उनके बहुत सारे राजनीतिक दुश्मन हैं और इसलिए उन्होंने अपने पास हथियार रखा है। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके पास पिस्टल का लाइसेंस भी है, जिसे वह अपनी आत्मरक्षा के लिए पास रखते हैं। इधर सत्ताधारी दल के विधायक द्वारा सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हाथ में हथियार लेकर अस्पताल में प्रवेश को लेकर आम लोगों के साथ राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जबकि लोगों का कहना है कि जब सत्ताधारी दल के विधायक कोई जान का खतरा सता रहा हो तो आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर स्थित पीजी अंबेडकर छात्रावास में वर्षा का पानी प्रवेश कर जाने के कारण पिछले कई दिनों से छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं। जल जमाव के कारण हॉस्टल रूम, शौचालय और कॉमन रूम में भी पानी जमा हो गया है। इसको लेकर जब विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों ने विरोध जताया तो आनन फानन में नगर निगम की टीम छात्रावास पहुंची, लेकिन अत्यधिक जल जमाव होने के कारण निगम कर्मी भी सोच में पड़ गए और पानी नहीं निकाला जा सका। वहीं इसके बाद हॉस्टल से पानी निकालने को लेकर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 2 से बोल रहे हैं। मेरा नाम छोटू चौधरी है, हम पीजी के सीनियर छात्र हैं। यहाँ ये जल जमाव की समस्या जो आप लोगों ने देखा, ये कोई नया नहीं है। मैंने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, DM, DDC जितना है सब पदाधिकारी को मैंने लेटर लिखा 7 अगस्त को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद 7 अगस्त को लिखा, फिर 22 सितंबर को लेटर लिखा और इधर 2 दिन पहले फिर से लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक हम लोग को जल जमाव की समस्या में झेलना पड़ रहा है। हम लोग का जो बाथरूम है वो पूरा लबालब भर गया है। हम लोग का जो पानी मोटर है, जिस जो कि पीने के लिए मेरा मेन सोर्स था, वो पूरा जलमग्न है। यही गंदा पानी मोटर के द्वारा टंकी में जाता है, उसी टंकी से हम लोग को बर्तन धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, आम नित्य क्रिया, यहाँ तक कि खाना बनाने को मजबूर है। यहाँ के विद्यार्थी बीमार पड़ रहे हैं, 4 बच्चे डेंगू का प्रॉब्लम हो गए,
वो घर जा चुके हैं। ये नगर निगम के प्रबंधक आए हुए हैं, उन्होंने ये जो भैरवा तालाब जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, वो मतलब जो है निकाला जा रहा है, छोटा सा छेद किया है मात्र, उससे हमको लगता है कि कम से कम 10 दिन पानी निकलने में लगेगा, 10 दिन, क्योंकि इतना ना मात्र हमको। बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत भागलपुर वन प्रमंडल की ओर से मंगलवार को वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान साप्ताहिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग, खजाने की खोज और जीव जंतुओं से संबंधित सवाल प्रतिभागियों से पूछे गए। वहीं इस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी के अलावा NCC कैडेट्स और तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय PG विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर वन्य प्राणी सप्ताह विषय पर अपनी बात रखी। वन्य जीव सप्ताह कल जो है 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चला था सभी वनों के क्षेत्र में, गोछिया, कहलगांव, भागलपुर में। आज जो है पार्टिसिपेंट को बुलाया गया है, PG स्टूडेंट हैं, लॉ के हैं, NCC कैडेट हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। अभी क्विज प्रतियोगिता चल रहा है 6 राउंड का, उसके बाद जो है 2 बजे से ड्राइंग पेंटिंग का कॉम्पिटिशन है और फिर 3 बजे से ट्रेजर हंट है, जिसमें से बच्चों को ग्रुप में बांट करके क्लू दिया जाएगा, एक क्लू से दूसरे क्लू पे जाएंगे, लास्ट क्लू से जो है उसको ट्रेजर मिलेगा और प्राइज तो है ही सब बच्चों को उत्साहित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो क्विज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे वन्यजीव से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, उससे क्या होगा लोगों में वन्यजीव के प्रति मतलब जागरूकता फैलेगा, वन्यजीव क्या है, कहाँ से।